क्या कि जो इलेक्शन हमने जम्मू उधमपुर सीट पे लड़ा, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, आपने बहुत अच्छी कवरेज हमको दी और बहुत अच्छा हमेशा आप हमारी रिक्वेस्ट पे आते हो, कवर करते हो हमारी कथन और हमारे प्रोग्राम आपने काफ़ी कवर किए, अच्छी कवरेज दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको तो सबको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन का नतीजा कल 4 तारीख को पूरे देश में निकला और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहां भी हमने जम्मू की 2 सीटों पे लड़ा और कश्मीर की 3 सीटों पे हमने अपने अलायंस पार्टनर मैसूर कॉन्फ्रेंस की मदद की और हमारे दोनों साथी रमन बल्ला साहब जम्मू से लड़े और चौधरी लाल सिंह जी कठुआ उधमपुर से लड़े चनाब वैली से भी। तो एक अच्छा इलेक्शन हमने लड़ा और मैं उन लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी की तरफ से जिन्होंने हमको वोट दिया और दोनों सीटों पे हमने 10 लाख के करीब वोट दिया, चाहे लाल सिंह जी ने लिया या रमन बल्ला साहब ने लिया, 10 लाख के करीब वोट लिया और जो वोट परसेंटेज हम रजौरी पूंछ से लेते थे, बदकिस्मती से वो एरिया कश्मीर में डाल दिया, नहीं तो आज हम 2-3 लाख से ये सीट जीत गए थे। चलो जो हुआ ठीक ही हुआ, जो लोगों का मंशा होता है वही होता है, लेकिन फिर भी एज पर परसेंटेज बहुत ज्यादा परसेंटेज हमारी बड़ी। पिछली बार हम उधमपुर की सीट जो है करीब करीब 4.5 लाख वोट से हारे थे और इस बार हम उधमपुर की सीट 1.25 लाख वोट से हारे, इसका मतलब है कि 3.25 लाख वोट वापस कांग्रेस पार्टी में। इसी तरीके से जम्मू में अगर रजौरी पुंछ को कट किया जाए, जो हमने वोट किया था रजौरी पुंछ से, तो हमने 2.25 लाख वोट टोटल लिए, जो हम अपनी कंपटीशन को कट करते हैं तो 2.25 लाख से हम 5.5 लाख 5.25 लाख पे पहुंच गए, 5.5 लाख 5 लाख 1,000 वोट हमने 2.25 लाख से क्रॉस करके 5,50,000 तक पहुंचे। वजह काफी चीजें थी, एक वजह यह था कि हम नहते खाली हाथ इलेक्शन लड़ रहे थे क्योंकि हमारे पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज हुए थे, हमें पार्टी से 10 पैसे की कोई मदद नहीं। उसके बाद दूसरी चीजें भी काफी फैक्टर है, जो अपोजिट पार्टी है उनके पास पैसे की तो कमी नहीं। मैं अपने एरिया की बात करूंगा कि एक रात में मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट खरीदा गया 2-3 लाख एसटी समाज का ब्लॉक। इसी तरीके से खरीदो फरोख्त बहुत हुई दोनों इलेक्शंस में, चाहे उधमपुर में हुई चाहे जम्मू में, और अपोजिट हमारे पास कोई पैसा ही नहीं था, तो जिस हिसाब से हमने अपनी गाड़ियां वर्करों ने मां पैसा लगाया, खुद वर्करों ने तेल डाला, खुद वर्करों ने काम किया, तो हम उन वर्करों का भी शुक्रगुजार हैं। जैसे बीजेपी ने 2014 से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा सत्ता में आ रही है, क्योंकि जो भी गारंटी और जो भी वादे बीजेपी ने किए थे वो वादे कहीं ना कहीं फेल हो गए होंगे, जो चाहे वो रोजगार के वादे थे, चाहे 15 लाख के वादे थे, चाहे किसानों का कर्जे का माफ वादा था, चाहे डेली वेजर परमानेंट करने का वादा था, वो वादे उल्टे हो, हमारी स्टेट जो है बर्बाद कर दी गई, उसको यूटी बनाया गया, उसके 2 हिस्से किए। इसी तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी नंबर 1 पे है, ये तो आंकड़ों में दिखाते हैं, हरियाणा 1 है, 2 है जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है क्योंकि ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है यहाँ, ना हमारे पास जमीनें हैं, हरियाणा के पास इंडस्ट्रीज भी है, जमीनें भी है, वो लोग
कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग खासकर वैली के भी और हमारे पहाड़ी एरियाज के बिल्कुल बेरोजगारी में वो इस वक्त बहुत परेशान है। इसी तरह से फौज और पुलिस की भर्तियां भी खत्म कर दी गई, इसी तरीके से घर घर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जम्मू का कारोबार यहाँ के दरबार में उसे खत्म किया गया, यहाँ की जमीनों का कारोबार था वो खत्म हुआ, सब कुछ इफेक्ट हुआ। उसी की वजह है कि हमारा वोट परसेंटेज इतना बड़ा। बदकिस्मती से हमारे उधमपुर की सीट का इलेक्शन फर्स्ट फेज में ही था। एक तो रोजे थे, रोजों में हम ज्यादा कंपेन नहीं कर पाए, रोजों के बाद चार दिन टोटल बचे कंपेन, तो उसकी वजह से भी हमें काफी प्रॉब्लम्स आई। तो मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों का, और इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार सेंटर में बनती जो वादे हमने किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो हम फिर भी निभाने की कोशिश करें, चाहे हमारी सीटें तो आए ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत परेशान लोग हैं, यहाँ के लोगों की परेशानी को खत्म करना हमारा अवलीन फर्ज है। क्योंकि पॉलिटिक्स हम इसीलिए करते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, हम लोगों की सरकार दें, लोगों की एस्पायरेशंस के खिलाफ कोई काम ना करें। मैं पहली बात बोलूंगा, 2014 में कोई मैनिफेस्टो में बीजेपी ने यह लिखा कि हम जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी बनाएंगे, हम यहां पे 10 साल इलेक्शन नहीं करेंगे, हाँ यहां हम घर घर स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हम यहां लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, हम यहां 200 साल की जमीनें छीनेंगे। ये तो सारे ऐसे काम है जो लोगों के खिलाफ है, लोगों के अगेंस्ट है, लेकिन कांग्रेस जो है लोगों के साथ चलती है, हम लोगों को नाराज नहीं करते। अगर हम आते तो यहां का डेली वेजर जो है वो परमानेंट होता। आगे पूरा कोशिश करेंगे और हम उनके लिए सड़कों पे खड़े हैं, जहां हमें लगेगा कि गवर्नमेंट सही है वहां तारीफ करेंगे, लेकिन जहां हमें लगेगा कि गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, काफी घोटाले हुए हैं, जल शक्ति मिशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आईएएस ऑफिसर ने निकाला, यहां स्मार्ट सिटी का घोटाला, सरकार बनती है तो स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा घोटाला निकलेगा जम्मू और कश्मीर में, ये लूटा गया और यहाँ कुछ जमीन पे नहीं लगा सारा पैसा, ये भी सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो होंगी। तो बहरहाल मैं राहुल गांधी जी को बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं, जिस राहुल गांधी जी के खिलाफ इतने प्रोपेगंडे बीजेपी सरकार ने किए, अपना आईटी सेल 10-15 साल से एक ही आदमी के खिलाफ लगा के रखा, वो है राहुल गांधी, वो आदमी जो फॉरेन से एमफिल करके इकोनॉमिक्स में, जो आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जवाब को हाजिर जवाब रहता है, और एक साफ सुथरा आदमी, नेक आदमी, ईमानदार आदमी, जिसने पूरे देश की इतनी बड़ी पदयात्रा किसी ने आज तक नहीं, देश को जोड़ने की बात की, मोहब्बत की दुकान कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ खोलने की बात की, आज उस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट किया, थोड़ी सी फर्क रही, नहीं तो हमारी अपनी बहुमत होती हिंदुस्तान की इंडिया सरकार बनती, लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि अगर सरकार एनडीए की बनेगी भी वो कुछ देर की मेहमान होगी, याद रखना मेरे से लिख देना, क्योंकि डिक्टेटर आदमी सबको साथ लेके नहीं चल सकता है, ये झूठा झूठा नारा है इन लोगों का, सबका साथ सबका विकास, वो सारा फ्रॉड साबित हुआ, इन लोगों ने ईडी को एक्टिव किया, इन लोगों ने क्या बोलते हैं सीबीआई ईडी लोकल एजेंसी पुलिस पूरा विपक्ष को दबा दिया, केजरीवाल अंदर, उसके मिनिस्टर अंदर, हिम्मत सुरेन अंदर, महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने गवर्नमेंट का तोड़ फोड़ किया, रीजनल पार्टीज को खत्म करने की कोशिश की, ऐसे डिक्टेटर तो हिंदुस्तान ने कभी देखे नहीं, हमारी भी सरकारें रही, सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया, लेकिन हमारी रेस्पेक्ट होती थी अपोजिशन के लिए, रीजनल पार्टीज के, क्योंकि वो भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते, तो ये लोग डिक्टेटर लोग सरकार ज्यादा देर नहीं चला सकते हैं, अगर इस मुल्क को कोई चला सकता है, इस मुल्क को कोई संभाल सकता है वो कांग्रेस पार्टी है, इस मुल्क को कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकता है, मिलिट्री के हिसाब से स्ट्रांग कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, और कांग्रेस पार्टी ही सब भी जातियों को, चाहे वो बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, सबको, सरदार हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सबको लेके अगर कोई चल सकती है, बुद्धिस्ट हो, कांग्रेस पार्टी लेके चल सकते हैं। तो मैं एक बार और अपने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इंडिया अलायंस को बढ़ चढ़ के वोट दिया, और खासकर कांग्रेस पार्टी को इन दो सीटों पे 10 लाख के करीब वोट दिया,
तो कहते हैं गूंगी बहरी सरकार को एक धक्का और दो, एक धक्का और लग जाएगा, ये असेंबली में भी साफ होंगे और पार्लियामेंट में भी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग इनका नाम भी कभी नहीं लेंगे। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता हूँ। बला साहब ने कुछ